हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द नाइन्थ लेक्चर। ये मेरा नाइन्थ लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट ऑडिटिंग। आठ लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे और ये मेरा नाइन्थ लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोज थे उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो ऑडिटिंग सब्जेक्ट में तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है, इसका ओरिजिन, इसका मीनिंग, इसका स्कोप हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑडिटिंग इन इंडिया, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या रिलेशनशिप है, ये हमने डिटेल में समझा। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या सिमिलैरिटी है एंड क्या डिफरेंस है, ये भी हमने डिटेल में समझा। इसके साथ ही जो ऑडिटर है उसकी क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भी हमने समझा। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सब भी हमने डिटेल में समझा है। इसके साथ ही मैंने आपको एरर्स एंड फ्रॉड के बारे में डिटेल में बताया था। एरर्स क्या होता है, कितने टाइप के हैं, फ्रॉड क्या होता है, कितने टाइप के हैं एंड ऑडिट का क्लासिफिकेशन, ऑडिट कितने टाइप का होता है, तो ये भी हमने डिटेल में समझा था, जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारे ही टाइप मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड पिछले जो दो लेक्चर वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा था प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, यानी ऑडिट करने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है ऑडिटर को, ये समझा। टेक्निक ऑफ ऑडिट हमने पढ़ा, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट एविडेंस पेपर एंड प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। तो ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले आठ लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब क्या होता है, ये हम आज समझेंगे, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब होता है, कितने डिविजन्स हैं इंटरनल कंट्रोल के वो देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल का प्रिंसिपल क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या होता है, तो ये सब हम डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ही इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट और ये बाकी टॉपिक भी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल, देखिए ये जो वर्ड इंटरनल है इसका मतलब क्या है, देखिए एक होता है इंटरनल एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज, इंटरनल, ठीक है। एंड कंट्रोल मतलब क्या होता है, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। हिंदी में अगर हम बात करें कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है। कंट्रोल मतलब होता है चेक करना, ठीक है। नियंत्रित करने के लिए क्या करना, चेक करना, मॉनिटर करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब हुआ, इंटरनल मतलब इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो मैटर है दैट इज इंटरनल। इंटरनल मैटर्स को चेक करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो हम बात करें तो इंटरनल कंट्रोल क्या है, ये एक ब्रॉड टर्म है, एक वाइड, मतलब एक ब्रॉड टर्म है, एक वाइड स्कोप है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल मतलब चेक करना, कंट्रोल करना एक्टिविटीज इन अ बिजनेस टू इंश्योर इट्स इफिशियंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस अपना काम इफिशियंटली एंड इकोनॉमिक तरीके से कर पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट एक्सरसाइज, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, उनको प्रॉपरली क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए, उनको चेक किया जाए, उनको नियंत्रित रखा जाए। तो दिस इज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व अ सॉर्ट ऑफ विजिलेंस एंड डायरेक्शन ओवर द इम्पॉर्टेंट मैटर। इंटरनल कंट्रोल के तहत जागरूक किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक है, सही किया जाता है किन चीजों को, बजट से रिलेटेड जो मैटर है, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर है, परचेज से रिलेटेड मैटर, सेल्स से रिलेटेड मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मैटर है, उन सबको क्या किया जाता है, उन सबको, उन सबके रिगार्डिंग डायरेक्शन दिया जाता है कि सही तरीका क्या है करने का। विजिलेंस यानी जागरूक बनाया जाता है कि सही तरीका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग है वो प्रॉपर इफिशियंट मैनर में हो, इसके लिए तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इंटरनल कंट्रोल, ये इंटरनल कंट्रोल है। एक एक्सपर्ट है, उन्होंने डिफिनीशन भी दी है इंटरनल कंट्रोल की, WW Big एक एक्सपर्ट है, उन्होंने इंटरनल कंट्रोल की डिफिनीशन दी है कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। यानी इंटरनल कंट्रोल जो है एक कह लीजिए एक होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल करने का पूरा एक जो सिस्टम है, जिसमें आपके फाइनेंशियल मैटर को कंट्रोल करना, बजट को कंट्रोल करना, परचेज रिलेटेड एक्टिविटी, सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी, आपके स्टॉक जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड,
इन सबको कंट्रोल करना, पूरा कह लीजिए होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इस इंटरनल कंट्रोल में आता है, ठीक है। एंड इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, अब ये खास बात है, इंटरनल कंट्रोल में क्या आता है, मैंने दो टॉपिक और बताए थे ना कि हम पढ़ेंगे, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, ये हम अलग से पढ़ेंगे इन दोनों टॉपिक को, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेक भी किया जाता है, इंटरनल ऑडिट भी किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज इंटरनल कंट्रोल, समझ में आया। इंटरनल मतलब आंतरिक, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मैटर इंटरनल, एंड कंट्रोल मतलब उसको चेक करना, मॉनिटर करना, नियंत्रित करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटी को इफिशियंटली एंड इकोनॉमिक वे में परफॉर्म कर सके, ठीक है। एंड किन किन एक्टिविटी को, एक्टिविटीज रिलेटेड विद बजट, एक्टिविटीज रिलेटेड विद फाइनेंस एंड अकाउंट्स, रिलेटेड विद परचेज एंड सेल्स, रिलेटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, तो इसको कहा जाता है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब फिर मैंने बताया था ना, इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, ये दोनों क्या है, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। ये जो पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें दो मेन एलिमेंट आते हैं, कौन से, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। एंड दीज टू टर्म्स, दीज टू एलिमेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों जो है ना, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और दोनों गो टुगेदर, दोनों साथ चलते हैं, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, यानी काफी कुछ रिलेटेड है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल समझ में आ गया। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेक्ट किया जाता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव अ प्रॉपर डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल का। एंड दिस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें अकाउंट कंट्रोल, अकाउंट बेसिकली फाइनेंस कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, पीरियोडिक एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंटरनल ऑडिट स्टाफ, तो इन सबको कंट्रोल किया जाता है इंटरनल कंट्रोल में। ये बात समझ में आई, इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या आता है, इंटरनल कंट्रोल में जो भी अकाउंट्स की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, बजट कंट्रोल करना, जो भी ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स हैं उनको देखना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, ये सारी चीजें आती है इंटरनल कंट्रोल में, ठीक है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम होगा, प्रॉपर डेवलप्ड सिस्टम होगा इंटरनल कंट्रोल का। एंड इंटरनल, ये जो टाइम एंड मोशन स्टडी हमने पढ़ा है ना पॉम में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको टाइम एंड मोशन स्टडी पढ़ाया था, तो इंटरनल कंट्रोल में टाइम एंड मोशन स्टडी भी आता है, क्वालिटी कंट्रोल भी आता है। क्वालिटी कंट्रोल जानते हैं ना, जो भी स्टॉक आ रहा है, सप्लायर ने जो भी स्टॉक हमें दिया है, फिर उसके बाद हमने उसको प्रोसेस किया, और फिर जब हम उसको शोरूम में भेज रहे हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। जब सामान आएगा, रॉ मटेरियल आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी क्वालिटी चेक होगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन से फिनिश गुड जाएगा तो भी क्वालिटी चेक होगा। तो ये भी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल है। और कैसे किया जाएगा, थ्रू इंस्पेक्शन। तो ये भी इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल, इसीलिए पहले कहा यहाँ पे मैंने कि इट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट। इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल इज अ ब्रॉड टर्म एंड अ वाइड कवरेज। इंटरनल कंट्रोल बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर काफी चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डिविजन्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको अपने जो इंटरनल मैटर्स है इनको प्रॉपर कंट्रोल रखना है, मॉनिटर रखना है, चेक रखना है, तो एक बार में तो करना मुश्किल है ना, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिवीजन करती है। इस चीज को अगर हम डिवाइड कर ले तो काम करना आसान हो जाएगा ना, एक बार में हम पूरा काम नहीं कर पाएंगे, एक बार में हम पूरा सिलेबस जो है बीबीए या बीकॉम का नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लेंगे ना। तो उसी तरीके से है डिवीजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल मैटर है इसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, चेक करना, ठीक है, नियंत्रित रखना, ये मुश्किल है ना, तो इसीलिए क्या किया गया है, डिवीजन किया है, ठीक है। एंड ईच डिवीजन मस्ट बी कंसीडर बाय मैनेजमेंट व्हेन प्लानिंग द एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग इट्स एम्प्लॉई। यानी जब मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉई के बीच में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एलोकेट करता है, तो इन डिविजन्स को ध्यान में रखता है, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल के कुछ डिविजन्स हैं, कौन कौन से, ये देखिए, फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए, पूरी चीजों को कंट्रोल, अगर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंटरनल मैटर है उनको कंट्रोल करना है, तो हमें डिवाइड कर करके कंट्रोल करना पड़ेगा ना, और जो इम्प्लॉयज हैं वही तो कर रहे होंगे कंट्रोलिंग, ठीक है, तो फिर उनके बीच में काम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ डिविजन्स बनाए गए हैं, पहला है फाइनेंशियल कंट्रोल, अगला है एम्प्लॉय रिमुनरेशन, नेक्स्ट इज स्टॉक मेंटेनेंस, नेक्स्ट इज कैश कंट्रोल, नेक्स्ट इज ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन।
ठीक है, तो ये कुछ डिविजन्स हैं और ये एक एक क्या है, बहुत इजी है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है, तो ये पांच डिविजन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल के पर्पज से, ये पांच डिविजन किए गए हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल, एम्प्लॉय रिमुनरेशन, स्टॉक मेंटेनेंस, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन एंड कैश कंट्रोल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक एक करके इनको आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है सितंबर 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और एक खास बात है, ये सितंबर 2023 तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं और न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है सितंबर 2023 तक, ठीक है। एंड अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरा फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल, तो दोनों को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी मैं अपने चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ। एंड प्लीज लेक्चर को लाइक कर लीजिएगा, एक एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाउ वॉज दिस लेक्चर। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ये जो फाइव डिवीजन मैंने आपको बताया था ना, अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल बेसिकली वो सिस्टम है जिसमें क्या आता है, जिसमें आता है प्रॉपर इफिशियंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो प्रॉपर मॉनिटर्ड है कि नहीं, चेक है कि नहीं है, और उन पर नियंत्रण, मतलब वो प्रॉपरली डिसिप्लिन मैनर में चल रही है कि नहीं है, ये इसमें देखा जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल में। तो वही लिखा है, फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूड्स प्रॉपर इफिशियंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रॉपर इफिशियंट सिस्टम है कि नहीं है, एडिक्वेट सुपरविजन यानी प्रॉपर सुपरविजन में काम हो रहा है कि नहीं, जितने भी सिस्टम है उनका एक बैकअप मेंटेन हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, गुड इफिशियंट स्टाफ है कि नहीं, स्टाफ के बीच में रिलेशनशिप प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती है, चेक की जाती है फाइनेंशियल कंट्रोल में, ठीक है। एंड ये जो स्टाफ रिलेशन है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दो एम्प्लॉयज के बीच में या किसी टीम में जो रिलेशन है एम्प्लॉयज के बीच का, वो अच्छा होना चाहिए, इससे काम बहुत ही स्मूथली इफिशियंटली हो जाता है, नहीं तो उसी काम को करने में बहुत दिक्कत होती है। प्लस अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, स्टाफ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर भी हाई होगा ना। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे तो स्टाफ टर्नओवर हाई हो जाएगा, तो इसीलिए रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, स्टाफ रिलेशन, ठीक है। तो ये है फाइनेंशियल कंट्रोल। अगला क्या है, कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल, तो ये तो सही बात है, ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कह लीजिए थोड़ा सा फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा ऐसी जगहों पे होते हैं जहां पे कैश इन्वॉल्व होता है। इसीलिए आजकल सारी चीजें क्या हो रही है, कैशलेस होती जा रही है, या तो चेक से नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो कैश कंट्रोल सिस्टम बेसिकली इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ रिसिप्ट, पेमेंट एंड बैलेंस हेल्ड। यानी कैश कंट्रोल जो सिस्टम है उसके अंडर में क्या आता है, उसके अंडर में आता है रिसिप्ट। जब भी कैश का रिसीविंग की जा रही है या कैश का कुछ पेमेंट किया जा रहा है या कुछ बैलेंस हेल्ड किया जा रहा है, वो सब इसमें आता है। तो प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक बहुत जरूरी है एट एवरी स्टेज, रिसिप्ट के टाइम भी, पेमेंट के टाइम भी एंड बैलेंस हेल्ड, तीनों समय जो है प्रॉपर कंट्रोल होने की बहुत जरूरत है, ठीक है। एंड इसीलिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एम्प्लॉई को, जहां पे भी कैश कंट्रोल की बात होती हो रही होती है, तो वहां पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं स्टाफ को कि ज्यादा से ज्यादा या केवल चेक यूज करना है। जब भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो चेक ही चेक के फॉर्म में ही पेमेंट रिसीव करनी है, कैश का ट्रांजेक्शन कम से कम करना है। तो ये भी एक तरीका है कैश कंट्रोल करने का, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दैट इज एम्प्लॉय रिमुनरेशन। तीसरा जो डिवीजन है इंटरनल कंट्रोल का, वो है एम्प्लॉय रिमुनरेशन। रिमुनरेशन क्या है, बेसिकली एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है उसके बदले में जो भी उसे अमाउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिमुनरेशन, ठीक है। तो एम्प्लॉय रिमुनरेशन की अगर हम बात करें, तो एम्प्लॉय रिमुनरेशन जो सिस्टम है, इट कवर्स ऑल सेक्शन ऑफ एम्प्लॉय रिमुनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर रिमुनरेशन। यानी एम्प्लॉय रिमुनरेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, एंड एम्प्लॉयज को उनका रिमुनरेशन पे करना, ये दोनों चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट, ठीक है, वेज शीट,
ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय की सारी छुट्टी वगैरह और सारी चीजें ध्यान में रख करके पूरी वेज उनकी कैलकुलेट की जाती है, बोनस वगैरह और भी दुनिया भर की चीजें कंसीडर करके इनकी वेज बनाई जाती है, दैट इज वेज शीट। ठीक, और अगला क्या है, पेमेंट ऑफ रिमुनरेशन, मेथड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इन दोनों पे ही कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, जो एम्प्लॉय की वेज शीट प्रिपेयर होती है एंड जो मेथड ऑफ पेमेंट है, जो पेमेंट किया जा रहा है, दोनों को ही अंडर टाइट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, एंड दोनों सिमिलर पर्सन ना कर रहे हो, जो वेज शीट बना रहा हो वही पेमेंट कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय रिमुनरेशन सिस्टम में यही है कि बोथ वर्क शुड बी डन बाई सेपरेट पर्सन, दोनों अलग अलग पर्सन कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तभी क्या होगा, एक का काम दूसरा चेक कर पाएगा। खैर अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज एम्प्लॉय रिमुनरेशन। नेक्स्ट जो डिवीजन है इंटरनल कंट्रोल का, दैट इज स्टॉक मेंटेनेंस। स्टॉक मेंटेनेंस, तो देखिए जो इस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्टॉक होता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, वर्क इन प्रोग्रेस यानी फिनिश, सेमी फिनिश गुड के फॉर्म में, फिनिश गुड के फॉर्म में, तो दिस शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, रिकॉर्डेड एंड अकाउंटेड फॉर। जो भी स्टॉक होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, स्टॉक आ भी तो रहा है, सप्लायर से सामान आ रहा है, फिर वो प्रोसेस हो रहा है, फिर उसके बाद प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से फिनिश गुड जा रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, इसका रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन वगैरह करके उस वो जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है एंड एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन, इसको फिजिकल इंस्पेक्शन करके क्रॉस चेक भी करने की जरूरत है। तो दिस इज पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये काम किया जाता है इंटरनल कंट्रोल में। देखिए मैं लिखा है, फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड टू द स्टोर एंड देन फ्रॉम स्टोर टू प्रोसेसिंग यूनिट शुड बी मेड अंडर इफिशियंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। यानी जो फैक्ट्री है उसमें जो स्टॉक आ रहा है एंड फिर यहाँ से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो स्टॉक जा रहा है, ये किसके अंडर में होना चाहिए, शुड बी अंडर इफिशियंट कंट्रोल एंड सुपरविजन में होना चाहिए। एंड जो टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, जब सामान आए तो इसका प्रॉपर रिकॉर्ड करना, इसका इंस्पेक्शन करना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, दिस शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड एंड फुली एलोकेटेड। ये प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, फुली एलोकेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज स्टॉक मेंटेनेंस। अब अगली हम बात करते हैं पांचवा जो डिवीजन है, दैट इज ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, ट्रेडिंग मतलब व्यापार, लेन देन, बाय सेल। तो जितने भी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में परचेज सेल ये सब आता है। तो परचेजिंग इफेक्टिव प्रोसीजर शुड बी लेड डाउन फॉर एक्विजिशन हैंडलिंग ऑफ गुड्स एंड फॉर अकाउंटिंग टेक्निक अडॉप्टेड फॉर सच गुड। यानी ये जो परचेजिंग है, ठीक है, देखिए मैंने लिखा है ना, इन परचेजिंग इफेक्टिव प्रोसीजर शुड बी लेड डाउन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गुड्स की परचेजिंग की जा रही है तो इट शुड बी प्रॉपरली एक प्रोसीजर के तहत परचेजिंग होनी चाहिए। जो हम जब गुड्स एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, गुड्स को हैंडल कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली स्टोर में रख रहे हैं, तो दिस ऑल शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड इट ऑल शुड बी अंडर टाइट कंट्रोल। ये टाइट कंट्रोल में काम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत फ्रॉड होते हैं। ऐसी जगह जहां पे जो गुड्स होते हैं लाइट होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं एंड हाई वैल्यू के होते हैं, हाई वैल्यू के होते हैं ना, वहां पे ऐसे चांसेस बहुत है कि गुड्स का यहाँ पे कुछ हेरा फेरी हो सकती है, मतलब चोरी हो सकती है। तो इसीलिए जब भी परचेज सेल हो तो गुड शुड बी अंडर टाइट कंट्रोल। तो ये भी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल, ये पांच इसके डिवीजन थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब हम ऑडिटर की एंड इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर का क्या रिलेशन है इंटरनल कंट्रोल से? इंटरनल कंट्रोल तो मतलब समझ में आ गया ना, ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल मैटर्स हैं, इंटरनल जो चीजें हैं, जैसे बजट हुआ, फाइनेंशियल चीजें हुई, या क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय रिमुनरेशन चीजें कैलकुलेट करनी है, स्टॉक है, इन सब का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर चेक होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए। ये हुआ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब ऑडिटर का इससे क्या रिलेशन है, ये अब हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे प्रॉपर अच्छा गुड एंड इफिशियंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके यहाँ जितनी भी एक्टिविटी होती है वो प्रॉपर सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में, चेकिंग में अगर होती है, तो वहां पे क्या होगा, ऑडिटर का काम आसान हो जाएगा ना। ऑडिटर को पता है कि यहाँ पे काम सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है, देन ऑडिटर कैन परफॉर्म ऑडिट इफिशियंटली। ठीक है, तो ऑडिटर का काम आसान हो जाता है, ऑडिटर जो है अपना काम इफिशियंटली कर पाता है इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव गुड एंड इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन यूज। तो वही बात यहाँ पे लिखी है मैंने। ठीक है, अगला क्या है,
इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनी ऑर्डर 1988, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कंपनी ऑर्डर 1988 प्रोविजन के तहत, इट इज ऑब्लिगेटरी यानी मैंडेटरी है, कंपल्सरी है फॉर अ कंपनी ऑडिटर, ये कंपनी ऑडिटर के लिए कंपल्सरी है कि वो इंश्योर करे कि कंपनी हैव एन एडुक्वेट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो क्लाइंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसने अपने यहाँ पे एडुक्वेट यानी सफिशियंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एडॉप्ट किया हुआ है फॉर स्टोर, फॉर रॉ मटेरियल, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, सेल परचेज ऑफ गुड्स, इसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक एडुक्वेट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये ऑडिटर को इंश्योर करना है, ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये रिलेशन है बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिटर के बीच में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इंटरनल कंट्रोल के। पहला सिद्धांत क्या कहता है कि जो मैं अभी पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि फिजिकल हैंडलिंग ऑफ एसेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अकाउंटिंग वर्क विच शुड बी डन बाई सेपरेट हैंड। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन है, रॉ मटेरियल आया ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो पर्सन इस सबको मैनेज कर रहा है, रॉ मटेरियल को स्टोर में रखाएगा ना, तो जो पर्सन इनको मैनेज कर रहा है, फिजिकली हैंडल कर रहा है इन एसेट्स को, जो रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, वो पर्सन अलग होना चाहिए, और वो पर्सन जो इनका पूरा हिसाब किताब कर रहा है, ठीक है, कि कितने मटेरियल आए, किस वैल्यू के कितने मटेरियल आए, कितनी तारीख को कितने मटेरियल आए, वो पर्सन अलग होना चाहिए। दिस मतलब दीज टू टास्क, एक फिजिकली हैंडल करना और इनका बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना, ये जो दो काम है ना, दिस शुड बी डन बाय सेपरेट हैंड, ये दो अलग अलग लोग करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, क्योंकि इससे फिर फ्रॉड या एरर होने के चांसेस कम है, क्योंकि इससे क्या होगा, दोनों मिलके कुछ फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, दोनों अलग अलग होंगे तो मिलके कुछ फ्रॉड नहीं कर पाएंगे और एक का काम दूसरा चेक हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि वर्क शुड बी सो डिवाइडेड बिटवीन पर्सन दैट वर्क डन बाय वन इज चेक्ड बाय अनदर। यानी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए बहुत सारे काम होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मैं बात कर लूं तो वहां पे भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग का ही काम ना, इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि एक क्लर्क का काम दूसरा क्लर्क चेक करे, ठीक है। एक क्लर्क बनाए काम, करे काम, फिर उसको दूसरा चेक करे और तभी वो आगे प्रोसेस हो, ठीक है। तो इससे ये क्या हो रहा है, ये इंटरनल चेक हो रहा है, एक का काम दूसरे ने चेक कर लिया ना। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इस तरीके से काम डिवाइड करना है कि एक का काम दूसरा चेक करता रहे, ठीक। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि कोई फ्रॉड करने का चांस नहीं है, कोई एरर होने की संभावना कम है। अगर एक ने गलती कर दी तो क्या होगा, दूसरा उसे चेक करके करेक्ट कर देगा, उसे बता देगा कि यहाँ गलती हो गई, ठीक है। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर तो मैंने रिसर्च मेथोलॉजी में भी आपको पढ़ा है कि क्वेश्चनर क्या होता है, इट्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चनर। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर की, यहाँ पे बात हो रही है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर की बात हो रही है। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बेसिकली एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो कौन बनाता है, ऑडिटर बनाता है, टू चेक द एडुक्वेसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम कितने अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। देखिए एक होता है इंप्लीमेंट कर दिया केवल नाम के लिए, क्योंकि कंपलसरी है, बताया था ना उस प्रोविजन के तहत कंपलसरी है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बस इंप्लीमेंट कर दिया। तो इसलिए ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी है कि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करे, ठीक है, जिससे वो फिर उन क्वेश्चन के तहत वो चेक करे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है। एंड ये जो क्वेश्चन है ना, ऑडिटर अपने सारे क्लाइंट के लिए यूज करता है, चाहे बड़ा क्लाइंट हो, छोटा क्लाइंट हो, ठीक है, मतलब बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, एज पर द रिक्वायरमेंट उसके क्वेश्चन थोड़े से वेरी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इसके आंसर्स पॉजिटिव आते हैं, ये जो क्वेश्चनर है इसके आंसर पॉजिटिव आते हैं, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है, सही है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आते हैं तो इसका मतलब क्या है, इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस ICQ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, ठीक। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। ये जो इंटरनल कंट्रोल है इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो मेन एलिमेंट हैं, एक है इंटरनल ऑडिट और एक है इंटरनल चेक। तो अब मैं अगले लेक्चर में आपको इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। अब अगला लेक्चर मेरा लेक्चर 10 है, जिसमें हम
इंटरनल कंट्रोल हमने आज पढ़ लिया, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट अब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओके। तो चलिए फिर, मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।